पांच खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित, जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई सख्त कार्रवाई। जिलाधिकारी अदिति सिंह के निर्देश पर तीन तहसील के एसडीएम व कृषि विभाग के अधिकारियों ने खाद की दुकानों पर छापेमारी की। एसडीएम रसना मोतीलाल व जिला कृषि अधिकारी विकेश कुमार की संयुक्त टीम ने रसना क्षेत्र में उर्वरक की दुकानों से चार संदिग्ध नमूने लिए। साथ ही श्रीनाथ फर्टिलाइजर रसना खाद भंडार रसना में दुर्गा खाद व बीज भंडार का लाइसेंस निलंबित भी किया गया। एसडीएम बैरिया व जिला कृषि रक्षा अधिकारी की संयुक्त टीम ने बैरिया क्षेत्र में छापेमारी कर तीन संदिग्ध नमूने लिए और दो उर्वरक व्यापारियों को जो जिसमें कि वर्मा खाद भंडार रेवती, अंकुश खाद भंडार रेवती के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं। एसडीएम सिकंदरपुर व अपर जिला कृषि अधिकारी ने सिकंदरपुर में उर्वरक व्यवसायियों की दुकानों से दो नमूने एकत्रित किए हैं। सिकंदरपुर क्षेत्र में बुधवार को उर्वरक दुकानों की जांच भी की गई है, जहां पर विकेश पटेल ने जांच की है। दोस्तों आपको बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है और पांच खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। जिलाधिकारी अदिति सिंह के निर्देश पर तीन तहसील के एसडीएम अपने अपने क्षेत्र में यह कार्रवाई किए हैं व कृषि विभाग के अधिकारी भी इस कार्रवाई में बखूबी शामिल है। कृषि विभाग के अधिकारी भी खाद की दुकानों पर छापेमारी कई जगह किए हैं, जिसमें एसडीएम रसना मोतीलाल व जिला कृषि अधिकारी विकेश कुमार और उनकी टीम भी शामिल है। रसना क्षेत्र में उर्वरक की दुकानों के चार संदिग्ध नमूने भी लिए गए। साथ ही श्रीनाथ फर्टिलाइजर रसना बाबा खाद भंडार रसना, मेसर्स दुर्गा खान एवं बीज भंडार, ये तीनों का लाइसेंस निलंबित किया गया है। इसके अलावा रेवती में अंकुश खाद भंडार और परमा खाद भंडार रेवती, इन दो जगहों पर भी लाइसेंस निलंबित किया गया है। अपर जिला कृषि अधिकारी ने सिकंदरपुर में उर्वरक व्यापारियों की दुकानों से भी नमूने लिए, जिसकी अभी भी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें हम आपको बता दें कि 24 समानों के नमूने लिए गए थे और चार दुकानदारों को चेताया भी गया है। लोगों को यह बताया गया है कि आप लोग भी अगर कहीं इस तरीके की संदिग्ध हालत मिले, आप लोगों को अगर ऐसा लगे कि इसमें कोई मिलावट की जा रही है खाद्य भंडार में, तो आप हमें एसडीएम को तुरंत सूचित करें ताकि हमारी टीम जाकर वहाँ पर सही जाँच पड़ताल कर सके। जबकि आपको बता दें कि रसना क्षेत्र में जिस तरीके की विभागीय कार्रवाई की गई है, उसमें कई बीज भंडार भी शामिल हैं और उनके जो विक्रेता हैं उनके लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं। ये सारा काम जिलाधिकारी अदिति सिंह के निर्देश पर किया गया है। एसडीएम बलिया व जिला कृषि अधिकारी की संयुक्त टीम ने बैरिया क्षेत्र में छापेमारी भी की, जिसमें कई नमूने लिए गए और दो उर्वरक व्यापारियों को, जिसमें वर्मा खाद भंडार रेवती और अंकुश खाद भंडार रेवती, यह दोनों भी निलंबित किए गए हैं। सिकंदरपुर क्षेत्र में बुधवार को उर्वरक दुकानों की जांच भी विकेश पटेल द्वारा जिला कृषि अधिकारी विकेश पटेल द्वारा की गई।